तो गाइस ये वीडियो शायद आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं आप सबको पहले दिखाना चाहूंगा इस वीडियो में है क्या और क्या क्या बोला जा रहा है। तो पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। देखिए भैया, ये है सार्जन प्रोडक्शन का कैबिनेट, जिसमें जो है कि ये राउंड्स का, जिसका डीलरशिप नहीं है सार्जन के पास, उसका जो है ये राउंड्स का थोड़ा सामने से देखिए 2200 वाट करके लिखा हुआ है, ठीक है। और ये स्पीकर लगा के दिए हैं, जिसका कैबिनेट आप देख सकते हैं टोटल खुल चुका है, सारा स्पीकर ख़त्म हो चुका है, ये चार काम हो चुका है इसमें। देखिए 1 2 3 4 इधर 3 1 2 3 7 उधर 1 8 इतना माल लिया हुआ है। और 2200 वाट में देखिए कि क्या एयर पास है यहाँ पे, 2200 वाट में बीच में एयर पास है, जो कि होना नहीं चाहिए। ये सिर्फ है 1000 वाट के लिए, 1500 बहुत जोर। साइड एयर पास वो खुद का कैबिनेट में बनाता है, और पार्टी को जो देता है वो देता है सिंगल बीच वाला एयर पास में देता है। अब दोनों स्पीकर में कोई जॉइंट नहीं है, देखिए इधर से उधर पूरा इस स्पीकर का उस स्पीकर का कोई जॉइंट नहीं है, बीच में पार्टीशन कोई है ही नहीं। अब स्पीकर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आज सुबह हम लोग गए थे सर्जन के पास, उठा नहीं दुकान में, उसका ऑपरेटर सब था जो बता रहा कि आपका गलती से उड़ा है। अब आप देखिए कि ये हमारे गलती से उड़ा है, आप देख सकते हैं ये जो स्पाइडर जो छोड़ रहा है, ये देखिए पूरा एक में नहीं, हर स्पीकर में एक पीस हो गया। आपको और दिखा रहे हैं, ये देखिए हो रहा है, और एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए हो रहा है, देखिए। और ये जो स्पीकर है इसमें ये 2200 वाट का स्पीकर है, जिसमें कि सिंगल स्पाइडर का काम किया गया है। ये जो भैया जो माल लिए हुए हैं, ये नया नया, इनको जानकारी नहीं है हर चीज़ का, तो ये जो माल लिए हुए हैं तो इनको जानकारी नहीं था, उस हिसाब से इनको जो कुछ भी दे दिया गया ये लेके आ गए हैं। बाकी आप लोग देखिए कि ऐसा होना चाहिए, ये मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम है या साउंड वाले का प्रॉब्लम है जो माल खरीदा है, ये चीज़ स्पाइडर छोड़ना चाहिए। कॉइल जलता, हम समझ रहे हैं कि कॉइल जल गया वो अलग चीज़ है, जब स्पाइडर ही नहीं पकड़ेगा कॉइल को तो वो तो जलेगा ही भैया। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और खुद बचिए, सबको बचाइए, खास करके यहाँ के साउंड वाला जो भी है, बहुत बड़ा साउंड वाला, अगर वो माल बेच रहा है तो उससे माल मत खरीदिए, क्योंकि वो अपना माल हमेशा तगड़ा रखेगा और आपको वही माल देगा जो आप बार बार वापस आएंगे, बार बार आपको दिक्कत होगा। बाद में वो दोस्त क्या लगाते हैं कि नहीं आप माल चला नहीं पाए, आपको यही सुनने को मिलेगा हर जगह से। तो इसलिए सावधान रहिए, खास करके इस सब जगह से माल मत लीजिए जिसका अपना साउंड सिस्टम हो, जिसका अपना मार्केट में नाम हो, और खुद से जो होता है कि थोड़ा सा बढ़िया से माल खरीदिए, कंपनी का ही ब्रांडेड, दो पैसा ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आप यही सब चीज़ खरीदिए, नहीं तो फिर ऐसा ही झेलना पड़ेगा। देखिए 10-12 लाख रुपया यहाँ पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, सारा फूंक गया, क्या करेगा आदमी बताइए। 4 दिन हुआ है, 400 चला बस, ये 3 से 4 महीने हो रहा ना अभी आपका, वो स्लिप दिखाई तो थोड़ा, देखिए कब का माल खरीदा हुआ उसका स्लिप भी हम आपको दिखा रहे हैं। जबकि ये कंपनी मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, हम लोग स्पीकर लेके गए थे, कोई सुनवाई नहीं है। और ये देखिए जो पूरे माल का जो है, ये आप देख सकते हैं स्लिप है, और अमाउंट भी आप देख सकते हैं क्या है नहीं है, A to Z चीज़। और जो डेट है वो आप डेट देखिए कब का है, 26/5/2024 का, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो आप लोग फाइनली इस वीडियो को देख लिया है और आपको समझ में आ गया वीडियो में है क्या और क्या क्या बोला जा रहा है।
तो मैं डायरेक्ट आपको डीजे सार्जन भाई का जो रिप्लाई है वो आपको दिखाना चाहूंगा। डीजे सार्जन ने किस तरह इस भाई को रिप्लाई दिया वो आप लोग देख लीजिए, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच्चाई बोल रहा है, आप लोग वीडियो को देख लीजिए। एक एक, एक स्पीकर जो दिखा हुआ है कैबिनेट वगैरह को लेके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम लोग पहली बार कैबिनेट बना रहे हैं क्या? दूसरा बात, यहाँ पर डिपेंड होता है, कोई भी यहाँ पर लेने आता है, इसीलिए मैं ऑनलाइन किसी से लेन देन नहीं करता हूँ और ऑनलाइन मैं डायरेक्ट किसी का ऑर्डर नहीं लेता। कोई भी सामान जब बेचता हूँ तो उस समय उसको प्रॉपर जानकारी के साथ उसको जानकारी देता हूँ, उससे पूछता हूँ उसके पास कितना जानकार है, वो कितना दिन से चला रहे हैं। लेकिन कोई कोई होता है कि नहीं हमको यही चाहिए, तो सारा चीज़ दिक्कत पहले ही बता देते हैं कि अगर इस चीज़ में इसमें कुछ मिस्टेक करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, आपका सामान नुकसान हो सकता है। तो एक भाई ने उस तरह का वीडियो बनाया, कुछ स्पीकर वगैरह उठा के, भाई जो डीजे में पुराना होगा उसको पता कर लेना कि किसका कटता नहीं है बोल के, ठीक है। और एक बात भी ये देखिए, जो वीडियो बना रहे वो अपना फेस भी नहीं शो किया, मतलब उसको ये भी डर है कि हम ये गलत कर रहे हैं, मतलब, और उनको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारा एंटी है, इसमें कोई दो बात नहीं है। इससे चार साल पहले, चाहे कैबिनेट का डिज़ाइन हो या कोई भी चीज़, इससे चार साल पाँच साल पहले जिसको दिए वो तो अभी तक चला रहा है, उसको तो कोई क्यों दिक्कत नहीं। कोई गाड़ी नया खरीदने के बाद अगर कोई ड्राइवर भी गलत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बनाने वाला गलत है, तो फिर सबका यहाँ पर प्रॉब्लम आना चाहिए था, तब तो हम लोग के यहाँ पर बिकना ही नहीं चाहिए था। तब तो इतना जन जो ले लेके जा रहे हैं माल, यहाँ पर ले लेके जा रहे हैं, तो सब ना समझ है, इसका मतलब यही प्रूफ होता है। तो ये जो वायरल कर रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि चलो एक रास्ता मिला किसी को बदनामी ये करने का, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग कोई गलत नहीं है, ठीक है। और जो सालों से चला रहे हैं हमारा प्रोडक्ट, उनको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग का क्या रिस्पॉन्स है। दूसरा बात, उनका ये भी कहना है कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो दिमाग लगाइए, जिसको इतना नॉलेज है, तो अगर उतना नॉलेज रहता तो फिर वो शुरू में वैसा ही क्यों नहीं लेता, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो साफ साफ है, नाम नहीं लूँगा, जो जिसको एक सपोर्ट मिल रहा है और जो लड़का उसको छोड़ा भी, और जिसको हर ग्रुप में जाके जो छोड़ भी रहा है, वो ये जानबूझ के चाहता है, एक्चुअली वो लड़का उसको माल बेचने खोज रहा था, अपना माल, लेकिन जब उन्होंने उसका माल नहीं लिया, वो हमारे यहाँ पर लिया, तो किसी कारण कंपटीशन किया कहाँ, तो वो लड़का एक ऑपरेटर दिया था जहाँ पर वो अपना स्पीकर को, कुछ स्पीकर को उड़ा लिया और उसका दोष आ गया डीजे सार्जन प्रोडक्शन। और उस चीज़ को देखिए कितना बारीकी से उसको वीडियो भी बना दिया, ठीक है, वीडियो भी बना दिया और वीडियो को मतलब इसमें ग्रुप ग्रुप में भेजना शुरू कर दिया। कोई नहीं, देखिए अगर हम गलत रहेंगे कभी भी तो वो कोई छिपने वाले बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को भी पता है। दूसरा बात, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, जैसे अभी जितना भी चाहे बाहर रोड शो करते हैं या हाँ जो भी रोड शो करते हैं, तो क्या होता है अलग अलग सामान का यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ चलाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि अभी तो हम बराती भी नहीं पकड़ रहे हैं, विसर्जन भी नहीं पकड़ रहे हैं छोटा, और छोटा रैली भी नहीं पकड़ रहे हैं। तो क्या होता है जो यहाँ से माल लेके जा रहे हैं, मैं तो उनको पकड़ा देता हूँ कि नहीं ये काम आप इधर है, आप इधर से पूरब से तो आप इधर कीजिए, इधर से है तो आप पश्चिम से तो आप उसको कीजिए, तो इस तरह से मैं बांट दिया हूँ। मैं तो अभी नहीं गया, देखिए साल भर में आपको कोई भी शादी घर में डीजे सार्जन का कोई भी बराती विसर्जन सॉरी बराती या पार्टी सेटअप देखने को नहीं मिलेगा। तो उससे क्या मतलब होता है कि सार्जन अपने लिए ये चला रहा, भाई सार्जन अपना एक्सपेरिमेंट करता है सारा चीज़ को, उसमें से जो बढ़िया निकलता है उसको कस्टमर को देते हैं।
हम तो बताते हैं कि जिस दिन कस्टमर सोच लेगा, समझ लेगा कि हमको चलाने नहीं आता है, हमको सीखना है, मैं तो आज भी बोलता हूँ कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, हो सके और भी हमको सीखना चाहिए और अगर मौका मिले तो ज़रूर मैं सीखूँगा। उसी तरह जितना भी एक्सपो हो या कोई भी चीज़ हो, मैं हमेशा अभी भी चाहे ड्राइव रैक हो या कोई भी चीज़ हो, मैं देखना हमेशा सीखने का ही कोशिश करता हूँ। तो वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो एक्चुअल जो नॉलेजेबल है उसको पता है कि हमारा कैबिनेट या हमारा चीज़ क्या है। बाकी वो लड़के से भी जब मैंने बात किया तो वो बोल रहा है कि भाई इसके बारे में मतलब हमने हमको नहीं पता, या तो बहला फुसका के वो बोल रहा है कि इस तरह से वीडियो बनवाया, अगर छोड़ने का रहता तो हम नहीं छोड़ते, ये चीज़ रहा। दूसरा बात, एक बिल दिखा रहा है कि इतना इतना, भाई अगर बिल सही भी है तो ठीक है, तो उसमें क्या सारा सामान नुकसान हो गया या स्पीकर चार गया? स्पीकर भाई जो भी कंपटीशन करेगा, कंपटीशन के लिए ऐसा कोई भी स्पीकर नहीं बनाए कि हमेशा टिक के रहेगा बोल के। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कौन झूठ है और कौन सच्चाई है, आपको पता चल गया। मैं आपको और भी एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा जो कि डीजे साजन भाई इसी सेटअप का शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, आपको पहले वीडियो दिखाना चाहूँगा, आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग वीडियो देख लिए और आपको पता चल गया, देखिए वही सेटअप है, वही कैबिनेट है और उसी तरह एयरपास भी बनाया गया है और उसी तरह सेटअप को लगाया गया है और उसी तरह ही बज रहा है, मतलब काफ़ी तगड़ा बज रहा है। तो देखिए कैबिनेट में कोई भी खराबी नहीं है, जिस तरह भाई ने बताया कि कैबिनेट में सही से एयरपास नहीं दिया गया है, इसी के कारण स्पीकर खराब हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए स्पीकर इसी कारण से खराब नहीं हुआ है, और भी बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे कि ऑपरेटिंग, अगर आप लोग सही से ऑपरेटिंग नहीं करेंगे तो इसी प्रकार प्रॉब्लम आ सकता है, और ये प्रॉब्लम आया है ज़्यादा हीटिंग के कारण, ज़्यादा हीटिंग हुआ उसके बाद ही स्पीकर अपने जगह से छोड़ दिया है। और स्पीकर एक ही कारण से ख़राब नहीं होता है, काफ़ी कारणों की वजह से स्पीकर ख़राब होता है, और मैं मानता हूँ कि ये मतलब प्रॉब्लम आया है ज़्यादा मतलब वॉल्यूम देने से, मतलब ज़्यादा गेन खोलने की वजह से मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम आया है, मतलब सही से ऑपरेटिंग नहीं किया गया है। और भी कारण हो सकता है, मैं तो एक कारण बता रहा हूँ लेकिन और भी कारण हो सकता है। तो आप लोग समझ जाइए डीजे साजन भाई को बदनाम करने के लिए इस तरह मतलब फ्रॉड वीडियो बनाया गया है, और आपको पता चल ही गया होगा। और आप सभी को क्या लगता है किन कारणों की वजह से स्पीकर इस तरह खराब हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो में ए तक वीडियो